आप लोगों को एमएस एक्सेल में गोल शीट मार्कशीट के ऊपर जो है कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, गोल शीट का जो है प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग जो है इतना जो है आप लोग एमएस एक्सेल में बना लेंगे, और आप लोगों को आज हम बताएंगे इसमें कि गोल शीट का प्रयोग जो है कैसे यूज किया जाता है। तो इतना बनाने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर लिखा गया नेम, तो कोई भी यहाँ पर जो है नाम आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। जैसे भी किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर नाम हो तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ राहुल राज, ये आपका हो गया नाम। और राहुल राज का जो है सब्जेक्ट दिया गया है, और यहाँ पर टोटल नंबर जैसे कि हिंदी में बात किया जा रहा है तो हिंदी में आप लोग जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक यूज नंबर का ले रहा हूँ इशू, तो यह देख सकते हैं यह नंबर मैं दे दिया हूँ, 8 में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ओके, गोल सेट जो है यहाँ पर 8 में हम लोग प्रयोग करके दिखाएंगे। किसी भी नंबर से एक जो है नंबर आप लोग गैप करके इशू कर सकते हैं कि कैसे गोल सेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम कोष्टक आन, और यहाँ पर आप लोग जो है इतना जो है टोटल जो है इस तरीके से आप लोग जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। या तो आप हिंदी का कॉलम देख सकते हैं बी, और यहाँ पर रो देख सकते हैं 11, और 8 का यहाँ पर देख सकते हैं 10G, और यहाँ पर 11। ओके, अनुपाते दे करके यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, और इसके बाद कोष्टक बंद, और यहाँ पर क्या करेंगे इंटर कर लेंगे। तो यह आपका हो जाएगा टोटल नंबर जो है 265 नंबर। ओके, अब यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, और यहाँ पर देखिए कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज की बात किया जाए तो परसेंटेज के लिए हम लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पर हम बात करते हैं जो परसेंटेज की, तो परसेंटेज जो है टोटल नंबर से निकलता है। तो टोटल नंबर यहाँ पर क्या करना है, टोटल नंबर आपका जो है H11 में है, H11 या तो टाइप करें या तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है आप लोगों को, यूज करना है गुड़े यहाँ पर 100। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो टोटल सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे भागे 600। ओके, इसके बाद क्या करना है इंटर कर देंगे, तो आपका परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग जो इसे कम कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर परसेंटेज को जो है कम कर दे रहा हूँ। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 44 पॉइंट जो है 17% आपका आया है। अब डिवीजन की बात किया जाए तो डिवीजन मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ थोड़ा से इस तरीके से करके यहाँ पर। अब यहाँ पर डिवीजन लगाएंगे इक्वल इफ कोष्टक आन। ओके, इफ कोष्टक आन, अब यहाँ पर लिखना है क्या टोटल नंबर, टोटल नंबर के बाद यहां पर आप लोगों को यूज करना है क्या ग्रेटर देन। ओके, तो ग्रेटर देन के बाद यहां पर टाइप करना पड़ेगा आप लोगों को 360, इसके बाद आप लोग कर देंगे यहां पर कॉमा और डबल इनवर्ट कॉमा। अब इसमें लिखना है क्या आप लोगों को फर्स्ट, क्या लिखना है फर्स्ट, तो यहां पर टाइप कर देंगे FIRST और डबल इनवर्ट कॉमा से बंद कर देना है। फिर इसके बाद आप लोगों को लगाना है कॉमा, और यहां पर लिखना है इफ कोष्टक आन, टोटल नंबर फिर से दीजिएगा, इसके बाद आप लोग लगाना है फिर से सिंबल, और यहां पर कॉमा और डबल डॉट कॉमा, इसके बाद लगाना है सेकेंड सेकेंड डबल डॉट कॉमा से क्लोज कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर फिर यहां पर आप लोग जो है वैल्यू यहां पर भूल गए हैं हम, तो वैल्यू जो है यहां पर दे दीजिएगा आप लोग, तो वैल्यू आपको देना है यहां पर है सेकेंड डिवीजन का, तो सेकेंड डिवीजन जो है कितने पर पास किया जाता है, तो 250 यहां पर हम दे दिए हैं। इसके बाद यहां पर करना है कॉमा इफ कोष्टक आन करना है, इसके बाद टोटल नंबर फिर से आप लोग यूज कर लीजिएगा। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, फिर से सिंबल लगाना है ग्रेटर देन, यहां पर आप थर्ड नंबर जो है ये आपका फर्स्ट नंबर 360 के अगर ऊपर पाएंगे तो फर्स्ट नंबर, अगर 200 के ऊपर सॉरी 250 के अगर ऊपर पाएंगे तो आपका सेकेंड डिवीजन, अगर यहां पर कितना देंगे कि आप लोगों का थर्ड आ जाएगा, तो वहां पर दे दे रहा हूं मैं 175, अगर इसके ऊपर आ जाएंगे तो आप लोगों क्या आ जाएगा थर्ड डिवीजन रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉमा और डबल डॉट कॉमा, यहाँ पर लिखना है थर्ड और डबल डॉट कॉमा से क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर लगाना है आप लोगों को कॉमा और इफ कोष्टक आन करना यहाँ पर है, कोष्टक आन करने के बाद आप फिर से यहाँ पर टोटल नंबर देना है,
अब यहां पर टोटल नंबर देने के बाद यहां पर आप लोगों को लगाना है लेस देन, ओके। अब लेस देन लगाने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है कि अगर 174 नंबर से अगर नीचे रहेगा कोई भी स्टूडेंट तो यहां पर वह फेल रहेगा। तो यहां पर करना है 174, इसके बाद कॉमा और डबल डॉट कॉमा, यहां पर लिखना है, टाइप करना है क्या, फेल। ये आपका फेल हो गया। इसके बाद आप लोगों को अब यहां पर ध्यान रखना है कि कितना जो है डबल डॉट कॉमा दे करके कितना कोष्टक जो है ऑन हुआ है, 1 2 3 4, यहां पर 4 ऑन है, 4 ऑन है, तो 4 जो है ऑफ भी होना चाहिए, 1 2 3 4। अब इसके बाद एंटर कर देंगे। अगर आप लोग जो फार्मूला को नोट करना चाहते हैं या शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देंगे। तो ये आपका आ गया सेकेंड डिवीजन। अब यहाँ पर सेकेंड डिवीजन आ गया तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एक नंबर अभी जो है यहाँ पर छूटा हुआ है, तो इसका यूज कैसे करना है अभी गोल सेक, तो हम गोल सेक का यूज करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों को, बाय द वे यहाँ पर परसेंटेज आपको 60 लाना है, परसेंटेज जो है आपको 60 लाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नंबर बढ़ा दे रहा हूँ, मान लीजिए 68, ओके। अगर आप परसेंटेज अगर आप लोगों को बढ़ाना यहाँ पर है, जैसे कि 65% अगर लाना है तो कितना नंबर आना चाहिए, ओके। यहाँ परसेंटेज वाले पर आप लोग क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को जाना है डाटा में, क्या करना है, डाटा में जाना है। इसके बाद व्हाट इफ एनालिस आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर, तो इस पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है छोटे से बिंदी पर, आप यहाँ पर आप लोगों को जो मिल जाएगा गोल सेक, ओके। तो गोल सेक वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा जूमिंग कर दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोगों को मिला है यहाँ पर गोल सेट और यहाँ पर सेट जो है सेल और टू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल, इतना दिया गया है, मैं इसको कम कर दे रहा हूँ, ये आपका हो गया। तो इसको जो है कैसे यूज करना है ध्यान रखिएगा, तो मैं इसका जो यूज करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेट सेल लिखा गया ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यह वाला जो परसेंटेज वाला है यही आप लोगों को यहाँ पर टाइप होकर के आ जाएगा। अगर नहीं लिख के आ रहा है तो यहाँ से आप लोग इसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर टू वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों से कि कितना परसेंटेज आप लोगों को देना है। मान लीजिए मुझे 65% अगर लाना है, 65% लाना है, तो मुझे जो है इसमें बाय चेंजिंग मतलब इसमें कौन सा सेल यूज करना चाहिए, तो 8 में कितना नंबर हम लोग यूज करेंगे कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जो है नीचे यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ इस साइड में। अब यहाँ पर आप लोगों को यह नंबर जो है काउंट करके बताएगा कि 65% पर कितना नंबर आना चाहिए। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा तो यह देख सकते हैं कुछ संख्या जो है ऐसे बढ़ करके आ गया। तो यहाँ पर जब 60 नंबर रहेगा तभी आप लोगों को जो है 65 नंबर यहाँ पर सॉरी 60 नंबर ऐड होगा तो आपका 65 जो है परसेंटेज एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आपका हो गया गोल सेट। अब इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ फिर से। अब यहाँ पर अगर टोटल नंबर में इसी तरीके से निकालना है तो कैसे निकालना मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से। आप जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस और यहाँ पर गोल सेट, ओके। अब यहाँ पर ये टोटल नंबर आपको सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे चाहिए 390 नंबर, ओके, तो 390 नंबर में या यहाँ पर कर लीजिए 370 नंबर अगर चाहिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बाई चेंजिंग वाले सेल में ध्यान रखना, बाई चेंजिंग वाले पर क्लिक करके यहाँ पर सेल में क्लिक कर देना है, इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे तो ये आपको बताएगा कि 370 नंबर लाने के लिए आपको कितना नंबर यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 40 नंबर आपका आएगा तो 370 नंबर आ जाएगा और 61% पॉइंट इतना आ जाएगा और यह भी आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। यहां से इस तरीके से जो है आप लोग गोल सेक का यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे जो भी वीडियो बनेगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए जो है पहुंच जाएगा। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है और लाइक करना मत भूल लीजिएगा। थैंक यू।